रूम हीटर बना काल, एक ही परिवार के तीन लोगों की छीन ली जिंदगियां। रूम हीटर एक परिवार के लिए ऐसा काल बना जिससे एक हंसता खेलता परिवार पल भर में उजड़ गया। इस हादसे में पति पत्नी समेत 2 महीने की मासूम बच्ची की जान चली गई। ठंड का मौसम है और उन्होंने ठंड से बचने के लिए कमरे में हीटर चलाकर सोया था। रात में अचानक हीटर से आग लग गई और एक ऐसी अनहोनी घटना घटी जिससे एक परिवार की पति पत्नी और 2 महीने की फूल सी बच्ची की मौत हो गई। दिल को मर्माहत कर देने वाली खबर राजस्थान से आई है। खबर को ध्यान से सुने। अगर आप भी रात में हीटर चलाकर सोते हैं तो हो जाएं सावधान, नहीं तो आपके साथ भी घट सकती है ऐसी घटना। आइए जानते हैं पूरी खबर। राजस्थान के अलवर में रूम हीटर एक परिवार के लिए काल बन गया। पति पत्नी अपने 2 महीने की मासूम बच्ची के साथ कमरे में सो रहे थे। उन्होंने ठंड से बचने के लिए कमरे में हीटर चला रखा था। रात में हीटर से आग लग गई। इससे बाप बेटी की मौके पर और महिला की अस्पताल में मौत हो गई। इस हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। घटना शेखपुर थाना इलाके के मुंडाना गांव का है। यहां रहने वाले दीपक ने जयपुर की संजू यादव से 2 साल पहले लव मैरिज की थी। 2 महीने पहले उनके घर बेटी ने जन्म लिया था। दीपक और संजू कमरे में हीटर चलाकर सो रहे थे। रात में अचानक हीटर से आग लग गई। इससे दीपक और उसकी बेटी निशिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसकी मौत हो गई। रात करीब 1:30 बजे ज्यादा हीटिंग होने के कारण कपड़ों में आग लग गई थी। उसके बाद आग तेजी से फैली और रजाई तक पहुंच गई। इससे तीनों आग की लपेटों में घिर गए। चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे, मगर तब तक पूरा कमरा जल चुका था। ग्रामीणों ने जैसे तैसे तीनों को बाहर निकाला। इसमें बाप बेटी की मौत हो चुकी थी, जबकि महिला 80% से ज्यादा जल चुकी थी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।